Yo, what's up, guys? Jordan Gamer here. My name is Franklin. Welcome back to another gameplay video of GTA 5. तो गाइस पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा हमारा माइकल जो है वो पुलिस ऑफिसर की बहुत बड़ी पोस्ट पर जा चुका है और उसी के साथ साथ दोस्तों से जो है गिफ्ट पे जर्मन शेफर्ड भी मिला था। लेकिन ये क्या चॉप ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी तनिषा से बात कर रहा था। तनिषा के दोस्तों शादी है और वो मेरे घर आने वाली है बुके लेके मुझे अच्छी तरीके से इन्वाइट करने के लिए। फिलहाल दोस्तों मैं जैसे अरे यार ये चॉप को हो क्या गया भाई, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा, वो भयंकर बहुत तगड़ा भूक भी रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस मेरे साथ हो क्या रहा है। और जस्ट अभी वो डॉग जो है वो पता नहीं काफ़ी ज़्यादा खूंखार दिख रहा है, ठीक है। और भाई एक जर्मन शेफर्ड भी यहाँ पर, डर के मारे भाई माइकल ने सॉरी अपना जो फ्रैंकलिन है उसने जंप लगा दी सीधा स्विमिंग पूल के अंदर। अब आप लोग देख पा रहे हो गाइस यहाँ पर ये दोनों आ चुके हैं और कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से खूंखार तरीके से मेरी तरफ देख रहे हैं, आप लोग खुद ही देख ही पा रहे हो गाइस। अच्छा भाई इनकी पता नहीं प्लानिंग है क्या मुझे मारने की, भाई इनका जो काटने का है ना वो मतलब दर्द बहुत तेज़ होता है। और उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं छुट्टी बहुत जल्दी मिल जाती है हम लोगों को, और पर दोस्तों जो स्टिचेस वगैरह लगते हैं या फिर जितना ये लोग काटते हैं उस हिसाब से जो पेन होता है वो सच में बहुत ज़्यादा होता है। तो फिलहाल अभी फ्रैंकलिन पीछे से चढ़ के जब इन्हें दोस्तों कैमरे से देखता है तो इनकी दोस्तों जो है मेन जो हरकतें हैं वो समझ में आती हैं। जब दोस्तों डॉग ऐसे रिएक्ट करने लग जाए तो इसका मतलब यही होता है गाइस कि वो मुझे जो है पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये जर्मन शेफर्ड कहाँ से आ गया गाइस, मेरा तो चॉप ये था लेकिन गाइस ये जर्मन शेफर्ड किसने भेज दिया भाई मुझे मारने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोनों दोस्तों अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई तू इधर आ तेरे को अभी हम सूटते हैं दोनों। तो जैसे आप लोगों ने देखा गाइस दोनों जो हैं काफ़ी ख़तरनाक और पावरफुल हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से हट के जल्दी से चलता हूँ, जैसे कि आप लोग खुद ही देख पा रहे हो भाई मुझे डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मैं भाई कपड़े तो पहन लूँ तभी तो बाहर जा पाऊँगा। फिलहाल दोस्तों मैं उसकी शादी में जा रहा था, तनिषा की शादी में, और वो यहाँ पर भी आने वाली है। तो फिलहाल जल्दी से ड्रेस को वेयर कर लेते हैं और तब तक दोस्तों यहाँ से लगता है फिर मैं निकल भी पाऊँगा, क्योंकि ये लोग जो आ गए अंदर तो भाई मुझे कभी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे ही गाइस मैंने यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट से बात करनी शुरू की कि भाई यहाँ पर चॉप तो बड़ा तगड़ा हो गया यार, और उसके अलावा दोस्तों जर्मन शेफर्ड भी मेरे ऊपर काफ़ी गंदा अटैक करते जा रहा है। भाई इन दोनों की प्रॉब्लम क्या हो गई है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गैराज से जल्दी बाइक लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल मैं कैमरे में बात सॉरी अपने कॉन्टैक्ट्स में बात कर लेता हूँ माइकल से, क्या ये जर्मन शेफर्ड तुम्हारा है माइकल, तुमने भाई यहाँ क्यों भेजा ऐसा करने के लिए मेरे साथ, वरना मैं तुम्हें ना बहुत गंदा मज़ा चखाने वाला हूँ। तो ओके गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो माइकल ने फ़ोन ही कट कर दिया, इससे जो दोस्तों शक है वो दुगना होता जा रहा है। अब आप लोग देख पा रहे हो दोनों कितने ज़्यादा मतलब आक्रामक जो बोलते हैं हिंदी में आक्रामक होते जा रहे हैं और बहुत ही गंदा मुझे काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या गाइस आप लोग देख पा रहे हो, इसने भाई मार दिया है झपट्टा हमारे ऊपर और गाइस दोनों ने आके भाई मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मैं यहाँ पर डेड हो चुका हूँ। लेकिन गाइस आप लोग खुद ही देख पा रहे हो हम लोग फिर से रिपेयर होकर जल्दी से यहाँ पर आ गए। और ये क्या हेल्प ही गॉट माई ऐश, वो भयंकर लगता है यहाँ पर फिर से कोई चोरी हो गई है। मतलब फ्रैंकलिन दोस्तों रिपेयर होके हॉस्पिटल से वगैरह छुट्टी वगैरह लेके $5,000 कटवा के अपने आ चुका है। और ये देखो लॉस्ट गैंग यही टुच्चे काम कर रही है अभी भी, तेरी ऐसी की तैसी, रुक यहाँ पर अभी आ जा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो अरे भाई माइकल आराम से फ्रैंकलिन, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई मैंने पहन रखा है आर्मर, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे जो डॉग हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, उन्होंने मेरे सीधे गर्दन पर अटैक किया, इधर आ जा बेटा तेरा सर फाड़ दूंगा यहीं मैं। तो एक भाई मैंने यहीं पर मार दिया है, पैसे पीछे पड़े हैं लेकिन भाई दूसरे बंदे को भी मारना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दोस्तों होता ऐसा है कि अगर एक को मार दो एक को छोड़ दो तो भाई दूसरा जाके जो है रिपोर्ट कर देता है कि भाई हाँ यहाँ पर कुछ हुआ है। तो जल्दी से जल्दी इसका पैसा ले लेते हैं। तो देखो गाइस साढ़े पाँच सौ नहीं सिर्फ और सिर्फ $500 लेके भाग रहा था। देखो हमने $550 यहाँ पर छुड़वा तो लिए लेकिन हम ही कितने बड़े चोर हैं, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कार दूसरे की चुरा के भाग रहे हैं। अब वो बेचारा किसकी हेल्प ले, हमने तो यहाँ पर हेल्प करने के लिए यहाँ पर किसी को दिया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये देखो यहाँ पर ये बंदा आ चुका है, तो यहाँ पर से दोस्तों मैंने इसको उसका पर्स दे दिया है और $450 उसने काटे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने पर्स उठाया तब मेरे पास था $500 और जब मैंने उसको पर्स दिया तो उसमें कटे $450, यानी ₹50 की हमें टिप मिल गई है। ओके गाइस अभी एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट कॉल आई है और ये जो अर्जेंट कॉल आई है दोस्तों तनिषा के घर से आई है, ठीक है। मतलब तनिषा ने फ्रैंकलिन को कॉल किया और जो फ्रैंकलिन है वो दोस्तों जल्दी से अभी घर जा रहा है क्योंकि भाई उनके दोनों डॉग ने तनिषा के ऊपर भी अटैक कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बेकार बात है गाइस। तो मैं जल्दी से यहाँ पर पहुँच चुका हूँ दोबारा से अपने घर पर।
ये देखने के लिए कि तनिषा ठीक है कि नहीं है, और उसे हॉस्पिटलाइज मुझे करना पड़ेगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खूंखार कुत्ते होते जा रहे हैं, और आज फ्रैंकलिन जो है इन्हें काफ़ी तगड़ा स्कोल्ड करने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों उसका देखो दिमागी काम नहीं कर रहा है, कहाँ कहाँ ब्लास्ट कर रहा है, अभी खुद ही मर जाता, आप लोग खुद देख पा रहे हो गाइस। तो हम लोग गाइस जो है नीचे आ चुके हैं, आप लोग ये रहे दोनों भाई, दोनों दोनों के दोनों यहीं पर हैं। तो जैसे ही मैं अंदर जाता हूं गाइस, आप लोग सामने की तरफ में ये देखो गाइस, तनिषा लेटी हुई है, और भाई इसके ऊपर जो है कितना गंदा इन दोनों ने अटैक कर दिया फिर से गाइस। ओ भयंकर, ये दूसरी बार है भाई मेरे साथ, नहीं अब नहीं हो सकता ऐसा। ओ ले भाई, दूसरी बार भी दोस्तों इन लोगों ने जो है मेरा मतलब काफी तगड़ा मुझे इंजर्ड कर दिया है। तो जल्दी से दोस्तों अब मैंने जो है पूरा प्लान बना लिया है कि अब मुझे कोई भी डॉग दिखेगा, कोई भी पेट दिखेगा, तो आज मैं जो है उसे काफ़ी तगड़ा मज़ा चखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लेस्टर से बात कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, मेरी लेस्टर से बात हो गई है, और लेस्टर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि फ्रैंकलिन तुम गुस्से में हो, और गुस्से में तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा माइकल के घर में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे पास जो खाना था वो हमारे नए घर में नहीं है, मलिबू मेंशन में, जो कि दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों को पहले एपिसोड में दिखाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था बिगेस्ट पेट मलिबू मेंशन करके मैंने जो एक वीडियो बनाया था। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है लेस्टर सारे के सारे पेट लेके वो हमारे माइकल वाले हाउस पर आ चुका है, और माइकल वाले हाउस पर भी दोस्तों जो है हमारा फ्रैंकलिन बहुत ही गुस्से में जा रहा है। आप लोग देख पा रहे हो कार ही कंट्रोल करने नहीं आ रही बेचारे को, ठीक है, क्योंकि दो बार काट चुके हैं उसे कुत्ते। वो तो अच्छा हुआ दोस्तों हम लोगों ने इंजेक्शन वगैरह लगा रहे थे, लेकिन गाइज आप लोग को पता होना चाहिए कि तनिषा जो है वो बिल्कुल अभी इंजर्ड है। तो ये बात मुझे सबसे बहुत ज़्यादा बेकार लगी दोस्तों, उसकी दो दिन बाद जो है शादी थी, उसने मेरे को इनविटेशन के लिए मेरे पास घर पे आई थी, ठीक है, कि भाई फ्रैंकलिन तुम भी आना, ठीक है, लेकिन गाइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और तनिषा ने दोस्तों जो है बहुत ही गलत हुआ तनिषा के साथ। फिलहाल दोस्तों फ्रैंकलिन जो है वो पीछे से घर पर पहुँच चुका है, चाहते उसने जंप ली और यहाँ पर डायरेक्ट अपना जो है सर फोड़वा लिया है। वो तो दोस्तों चलता रहता, चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से जाता हूँ मैं दोस्तों अंदर और इनको मज़ा चखाता हूँ। अब आप लोगों को पता होगा ये जितने भी डॉग्स हैं सारे ट्रेंड हैं, माइकल ने मुझे ऑलरेडी इनसे मिलवा रखा है, लेकिन मैं इन्हें जो है आज बहुत गंदा स्कोल्ड करने वाला हूँ, और उठा उठा के पटकने वाला हूँ, देखते हैं भाई कौन उठता है कौन नहीं। सबसे पहले मैंने दोस्तों जो है टाइगर को उठा लिया है, और उठाते दोस्तों ये मेरे से छूट गया जैसे कि माइकल छोड़ देता था। तो ये टाइगर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बिल्ली है भाई, बिल्ली बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, प्लस उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन जो है उठा उठा के पटक रहा है भाई, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो। अब दूसरी बारी किसकी है, दूसरी बारी दोस्तों हम लोग आगे से चलते हैं, आगे से उठा के पटकते हैं भाई आगे वाले के बंदों को। तो ये बिल्कुल मेरे को बेकार लग रहा है, क्योंकि इन डॉग्स की इनमें कोई गलती नहीं है, और हमें ऐसा कोई राइट नहीं है दोस्तों कि हम लोग दूसरे का गुस्सा दूसरे पे उतारें, ठीक है। तो ये फ्रैंकलिन की मुझे बहुत बेकार बात लगी, बेचारे मासूम से कुत्ते हैं, तुम्हें पहचानते हैं, तो तुम उसका ऐसा गलत फ़ायदा उठा रहे हो। माइकल देखेगा ना बेटे, तब तुझे बताएगा, रुक जा। तो फ्रैंकलिन दोस्तों बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है एज अ डॉग लवर। आप लोग देख पा रहे हो ये उठा उठा के दोस्तों कैसे कुत्तों को फेंक रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा गलत बात है, और ऐसे स्कोल्ड नहीं करना चाहिए, जबकि इनकी कोई गलती भी नहीं है। ये बेजुबान जानवर हैं बेचारे, इन्हें बेफालतू में ऐसे नहीं मारना चाहिए। तो फ्रैंकलिन जो ये काम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा बेकार कर रहा है। अब भाई किसकी बारी है, अब किसको उठाएगा, इतने बजनी बजनी जानवर हैं, तो कैसे इन्हें उठाएगा और कैसे फेंकेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। कुछ भी नहीं कह रहे डॉग्स सारे, और बेचारे ऐसे ऐसे दोस्तों ये लगे हुए हैं, तो आप लोग खुद ही देख पा रहे हो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पर फिर ओ भयंकर इसने गाय को उठा लिया है, और गाय को उठा के दोस्तों वो भयंकर गाय तो चलो कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभाल गई और यहाँ से भाग गई, आप लोग देख ही पा रहे हो गाइस, ठीक है। तो जैसे मैं इसको पकड़ने गया, तो यहाँ से दोस्तों गाय जो है फेड अप हो गई, वो बिल्कुल निकल गई यहाँ से, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, ठीक है। अब हमारी बारी है दोस्तों, एक और बार हम इसको जो ओ भयंकर, अब जर्मन शेफर्ड जो इसका मेन रियल जर्मन शेफर्ड था, उसको भी इसने उठा लिया है, और उठा के दोस्तों आप लोग खुद ही देख पा रहे हो हम लोग कैसे उठा उठा के फेंक रहे हैं। फिलहाल ये जो रॉटविलर खड़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा देर से खड़ा है, लेकिन फ्रैंकलिन को लगता है कि रॉटविलर देख के अपने चॉप की याद आ गई, तो वो इसमें नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये टोटली गलत है जो ये फ्रैंकलिन कर रहा है। अब दोस्तों जितने भी पेट्स हैं वो सारे रोड, ओ भयंकर ये जर्मन शेफर्ड को बहुत ज़्यादा गंदा ठोका उसने। अब ये जो पेट्स हैं मिलके दोस्तों जो है बहुत गंदा पीट सकते हैं फ्रैंकलिन को, लेकिन अब फ्रैंकलिन को अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ क्या। ओ भयंकर, आप लोग देख पा रहे हो फाइनली माइकल की एंट्री हो चुकी है, और जो माइकल की एंट्री दी है वो लेस्टर ने बताई है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रैंकलिन जो है रोज़ाना जिम जाता है, और बेचारा हमारा जो गैंगस्टर माइकल है वो अंकल हो गया एक तरह से, आप लोग जब आपको पता होगा मतलब इतनी उसकी एज नहीं रही, अपने ज़माने में वो भी दोस्तों बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन अब जो है फ्रैंकलिन का दौर चल रहा है, और आप लोग देख ही पा रहे होगा इसके
कितना गंदा फ्रैंकलिन जो है कर रहा है हमारे डॉग्स के साथ। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हो कर्मा जो है वो मिलता ही मिलता है, तो आप लोग वेट रखो, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस फ्रैंकलिन ने जो है वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मूव्स जो है पूरे दिखाए इस वाले पूरी वीडियो में बेफालतू में। दोस्तों आप लोग वो भयंकर इतने बड़े शेर को उठा के दोस्तों उसने फेंक दिया, ठीक है। माइकल लगातार बोल रहा है कि मेरे पेट्स को मत मारो, तो फ्रैंकलिन ने दोस्तों बहुत ज़्यादा गलत किया है, वैसे आप लोग खुद ही देख ही पा रहे हो, ठीक है। और बेचारा भयंकर ले, ये होती है बॉडी बनाने की पावर। फ्रैंकलिन ने माइकल को गर्दन से पकड़ लिया है और बोल रहा है बेटा तू अब ज़्यादा मत उछल नहीं तो तेरे को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस इतना गंदा यहाँ पर पक को उसने दोबारा से मारा। और अब दोस्तों जो है माइकल भी डरने लग गया है, और डरने के बाद दोस्तों जो है वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। आप लोग देख पा रहे हो पीछे से भागने लग गया भाई, पर रुक जा कहाँ जा रहा है। तो देखो आप लोग देख पा रहे हो गार्डन की तरफ में भाग रहा है, पर कहाँ भाग रहा है भगोड़े, रुक जा तेरे को बहुत गंदा पीटूंगा आज मैं, इधर आ इधर जल्दी है इधर आ। अरे डॉग डॉग पाल रखे हैं बस दिमाग खराब करता रहता जब देखो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो फ्रैंकलिन ने वो भयंकर उठा उठा के दोस्तों जो है पटक रहा है, इतनी ज़्यादा पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है, उठा उठा के दोस्तों स्विमिंग पूल में दे मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हो गाइस बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है फ्रैंकलिन, और इसका इसको दोस्तों जो है मतलब करना पड़ेगा, मतलब भरपाई जो है ना इसकी करनी पड़ेगी, माइकल इसका बदला ज़रूर लेगा। तो आप लोग देख ही पा रहे हो गाइस कितना ज़्यादा गंदा इसने जैसे फेंका, रॉटविलर को आया गुस्सा, और उसके दोस्तों ने आप लोग देख ही पा रहे हो वो वफादार बहुत होते हैं गाइस डॉग्स, और उसने दोस्तों जो है फ्रैंकलिन के ऊपर अटैक करके गर्दन पे उसको मार दिया। तो गाइस आप लोग ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे टिक कर लो। ये जितना भी वीडियो था सब कुछ फन के लिए था, किसी को दोस्तों मजा आया जरूर से कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल एंड बाय बाय।